नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। लॉकडाउन के चलते अब शहर में छात्र छात्राओं ने भी लोगों से आह्वान करना शुरू कर दिया है कि आप लॉकडाउन का पालन करें एवं घर पर रहें। आइए सुनवाते हैं आपको कि वीरभूमि राजकीय स्नातक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एवं छात्राओं ने क्या कहा। मेरा नाम सोनिया राजपूत है, मैं वीरभूमि गवर्नमेंट पीजी डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर। आज हमारा देश ही नहीं अभी तो पूरा का पूरा विश्व इस कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है, जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे को छूने से फैलती है। अतः हम सभी को एक दूसरे को छूने से बचना है और इस बीमारी से ह्यूमन का रेस्पायरेशन सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे कि ह्यूमन की डेथ हो जाती है। अतः आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करें और खांसते छींकते वक्त मुंह को टिश्यू पेपर से ढकें और उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाल दें या फिर उसको जला दीजिए और हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर से धुलते रहिए। घर से बाहर ना निकलिए। घर से बाहर यदि आपको अत्यंत आवश्यक कार्य है तो घर से बाहर निकलिए बट मास्क लगाकर। सोशल डिस्टेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। धन्यवाद। मैं साक्षी अचार्या, बीएससी थर्ड ईयर वीरभूमि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महोबा। मैं अपने सहपाठियों से अपील करती हूँ कि कृपया लॉकडाउन का पालन करें, सड़कों पर ना निकलें, एक स्थान पर भीड़ एकत्रित ना करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, बिना धुले हाथों को अपने आँख नाक मुंह पर ना लगाएं, खांसते तथा छींकते समय टिश्यू पेपर या रुमाल का प्रयोग करें, प्रयोग किए हुए टिश्यू पेपर को बंद डस्टबिन में डालें। कोरोना वायरस की चेन को घरों पर रहकर ही तोड़ा जा सकता है तथा कोरोना वायरस जनित इस महामारी को हराया जा सकता है, इसलिए प्लीज अपने घरों पर ही रहें, खुद सुरक्षित रहें तथा अपने अपनों को भी सुरक्षित रहें। कोरोना को हराना है तथा देश को जिताना है। नमस्कार, मैं जतिन तिवारी वीरभूमि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महोबा में बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ तथा मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने सहपाठियों तथा सम्मानित नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह समय जागरूक और जिम्मेवार बनने का है। कोरोना एक गंभीर बीमारी है जिसे हमें सभी देशवासियों के साथ मिलकर हराना है। कोरोना बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से भरा हुआ वायरस है। यह तब तक आपके घर पर नहीं आएगा जब तक आप इसे लेने घर के बाहर नहीं जाएंगे। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करिए। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सुशील बाबू, प्राचार्य वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महोबा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है, भारत भी उसमें अछूता नहीं है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, मैं उसी संबंध में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं समाज के समस्त नागरिकों को यह अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा बताए गए उचित मार्गों का अनुसरण करते हुए घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। इस लॉकडाउन को बनाए रखना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना हम सबका परम कर्तव्य है और इस महामारी से बचने के लिए हमको समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोते रहना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, घर से बाहर कतई नहीं निकलना है। सामाजिक दूरी का अनुसरण, पुनः मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक दूरी का अनुसरण करना है। साथ ही हम यदि मदद करना चाहते हैं तो यदि आपको कुछ पता चलता है मोबाइल से
या कहीं से, तो इसको आप जिला प्रशासन को सूचित करें, नियंत्रण कक्ष में उनको सूचना दें, चाहे वो खाने की परेशानी हो, चाहे वो बीमारी की बात हो, तो इन सब की सूचनाएं दे करके, लाइजनिंग करके आप घर में बैठ करके भी समाज की मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं रोवर्स रेंजर्स और एनएसएस के स्वयंसेवकों को हमेशा तैयार रहने के लिए कहना चाहूँगा कि जब भी प्रशासन को उनकी आवश्यकता होगी, हमारी ओर से उन्हें हम प्रोवाइड करेंगे और वो देश सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे।